जैसे कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है। कह लेंगे क्या मजबूरी है? कह रहे मेरे घर में फ्राई पैन छोटा है। आपको अपने फ्राई पैन रखना है। सबसे बड़ा शैतान का हमारा धोखा ये होता है कि हमें कहता है कि तुम्हें सब आता है, बट इट्स ट्रू। और जब कोई अच्छा करने की कोशिश करता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, इसमें क्या खास बात है? भाई अगर खास बात नहीं तो आप कर लेते। अगर किसी ने किया तो उसको अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट करो कि इसका मतलब ये हुआ कि अपने अकाउंट में आप अप्रिसिएशन जमा कर रहे हैं। तो वक्त आएगा लो तब आपको पता, आपको मौका देगा, आपके लिए इतनी सारी तानिया और इतनी सारी अप्रिसिएशन हो रही होगी कि आपने कभी जिंदगी में भी नहीं पूछा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बात करी गोल के बारे में, तो मैं कुछ एक बात गोल के बारे में मेरे पास भी आई कि इफेक्टिव पर्सनैलिटी बनना मेरा भी गोल है। और मेरे टीचर कहते हैं कि गोल चौकोर होता है। Yes, no. No. Yes, no. Yes, sir. Come on. Yes, sir. Yes or no? Yes. जो लोग yes बोल रहे हैं हो सकता है कि उन्हें पता हो, जो लोग बोल रहे हैं no, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल ही नहीं रहे कुछ। बुलवा के दिखाओ। बोलना तो है ना। या तो हाँ, दुनिया के दो ही सच हैं। Yes. Yes, no. तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। Yes. हाँ या नहीं? Yes. हाँ या नहीं? नहीं हाँ. मैं नहीं, नहीं. हाँ या ना, ना। बीच में नहीं रहना है आपने। गोल हमेशा चौकोर होता है। यस और नो? यस। कम ऑन, जो कह रहे हैं यस, इसका मतलब ये को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। गोल हमेशा चौकोर होता है, उनके जगह खड़ा रहता है। हॉकी का हो, फुटबॉल का हो, किसी का भी हो, गोल चौकोर रहता है। गोल तो गोल करना है, तो गोल करने के लिए आपको भी गोल होना पड़ेगा, तब जाके उस स्क्वायर को आप गोल करेंगे। यस नो? यस। नहीं समझ में आया? Yes. आया होगा। इफेक्टिव पर्सनैलिटी में सब लोग बैठे हैं, कुछ चेहरों पे ऐसे लग रहा है मुझे क्या हो गया भाई। Come on, listen to me. गोल हमेशा चौकोर होता है, और उस चौकोर को गोल करने के लिए आपको खुद को गोल होना पड़ता है। यानी कि आपको मूवमेंट करनी पड़ती है, आपको राउंड होना पड़ता है, आपको ट्रेवल करना पड़ता है, आपको आगे बढ़ना पड़ता है। रगड़ लगती है, चोट लगती है, किक लगती है, तब जाके आपका स्क्वायर गोल बनता है। यस नो? यस सर। काम करेंगे कि मेरे पास कुछ ज्यादा बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि आप सब ने बोल लिया और सब आपने सीख लिया है। वो कहते हैं दीवार पे कलर हो गया, सब कुछ हो गया, अब सिर्फ क्या करना है, उसको टच देना बाकी है। बिरयानी के देख दम पर है, उतरना बाकी है। तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे इसको। वो हाँ, वो तो खैर हर इंसान देखिए, कुछ लोग होते हैं बिरयानी के पास से गुजरता नहीं मिलता, नसीब में नहीं होता। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मेरा, मोहम्मद आरिफ खान। और उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल मैंने पढ़ा था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। वॉन्ट टू बी योर हेलो एंड हार्ट इज गुड बाय, दैट इज द सेंटेंस एंड इट। सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा अगर आपने इसको समझ लिया, और आप समझ रहे होंगे। यस नो? यस सर। यहाँ पर लिखा हुआ वॉन्ट टू बी योर हेलो। वॉन्ट टू बी हेलो का मतलब जब कभी कहीं आपको मिलूंगा तो आप फोन करेंगे हेलो आरिफ साहब, आरिफ हेलो आरिफ। तो हेलो का मतलब आपके दिल में, आपके दिमाग में मेरे लिए जो मोहब्बत, जो चाहत, जो अपनाइयत होगी, तो फौरन आपका हेलो निकलेगा। इसका मतलब विदाउट सोचे आप उसको हेलो कहेंगे। यस नो? यस। और जब आपके मैं गुड बाय कहूंगा तो आपके दिल में आएगा थोड़ी देर और रुक गया तो अच्छा था। यस नो? यस। जिस दिन आपके दिमाग में, जिस दिन आपके पास ये दोनों चीजें जमा होना शुरू हो गई, समझ जाए कि यू आर गोइंग टू बिकम इफेक्टिव पर्सनैलिटी, मोर इफेक्टिव पर्सनैलिटी आप बनना शुरू हो रहे हैं। हमसे लोग मिलते हैं, मिलने के बाद कतरा के गुजर जाते हैं, हमने आईने के हाथों में उठा रखे हैं, ऐसा होता है। Yes. उसकी वजह ये कि बात होगा तो हम लोगों से बात करते हैं, लोग हमसे मिलना नहीं चाहते, और किसी से हम मिलना चाहते हैं तो वो हमसे मिलना नहीं चाहता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ ना कुछ कमी है।